वंश है ना, मुगल वंश। देखो भारत में जो मुगलों का शासनकाल है तो मुगलों का शासनकाल माना जाता है 1526 से 1707। क्या माना जाता है? 1526 से 1707। 1707 से 1708 का जो है, 1758 का जो है वो माना जाता है उत्तर मुगल काल। क्या माना जाता है? उत्तर मुगल काल। तो फिलहाल हम बात करें मुगल काल की। मुगल जो है, देखिएगा मुगल है क्या, कैसे नाम पड़ा मुगल, कहां से आया मुगल, भारत में किस प्रकार से मुगल आते हैं, वो चीज आज हम देखेंगे इसमें। मुगल तो एक शब्द है आपके सामने, मंगोल। कौन सा शब्द है? मंगोल। कौन सा शब्द है भाई? मंगोल। इसी मंगोल शब्द का जो है अरबी, ये फारसी भाषा का शब्द है। मंगोल कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। इसी मंगोल शब्द का अरबी भाषा में रूपांतरण क्या हो गया? मुगल। बताओ क्या हो गया? मुगल। बड़ा ही सिंपल सी बात है, फारसी भाषा का शब्द है मंगोल, और इसी फारसी भाषा के शब्द मंगोल को अरबी भाषा में क्या कह दिया गया? मुगल। क्या कहा गया? मुगल। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ये है मुगल शब्द का शाब्दिक अर्थ। क्लियर? अब देखो चीजें कैसे होती है, आपके सामने एक है मुगल। क्या है भाई? मुगल। ठीक है, दूसरा आपके सामने आता है मंगोल। क्या है भाई? मंगोल। कौन है भाई? मंगोल। ये जो है ये कह सकते हैं तुर्क मुसलमान। क्या है भाई? तुर्क मुसलमान। कौन होते हैं ये? तुर्क मुसलमान। और ये भी कौन है? ये भी मुसलमान है, मंगोल भी। मुगल वंश में जो है एक इंसान पैदा हुआ और उस इंसान का नाम था तैमूर। बताओ क्या नाम था? तैमूर। और आपको पता है ना, काफी विवादों में रहा था सैफ अली खान और करीना कपूर के पुत्र का नाम क्या रखा गया था? तैमूर। ये तैमूर जो है लंगड़ा हो गया था, लंगड़ा होने के कारण इसको क्या कहा गया? तैमूर लंग। क्या था? अपंग था, लंगड़ा था, इसलिए इसको क्या कह दिया गया? तैमूर लंग। क्लियर? इधर मंगोलों की बात कर रहे हैं, मंगोलों में एक इंसान था, उस इंसान का नाम बताओ क्या था? चंगेज खान। क्या नाम था? चंगेज खान। यहां पर भी कौन व्यक्ति था? चंगेज खान। बहुत बेकार आदमी था ये, बहुत निकम्मा था, लुटेरा था, एक नंबर था, बदमाश आदमी था, एक नंबर का लुटेरा था ये चंगेज खान। क्लियर? इसी मंगोल वंश के चंगेज खान की 13वीं पीढ़ी में, बताओ भाई कौन सी पीढ़ी की बात कर रहा हूं, 13वीं पीढ़ी में जन्म लिया एक पुत्री ने, और उस पुत्री का बताओ नाम क्या था? तुगलुग, सॉरी कुतलुग निगार खानम। क्या नाम था? कुतलुग निगार खानम। बताओ क्या नाम था? कुतलुग निगार खानम। चंगेज खान की 13वीं पीढ़ी में किसने जन्म लिया? कुतलुग निगार खानम ने। इधर मुगल जो है, मुगलों की या तुर्क मुसलमानों की, तैमूर वंश की या तैमूर की चौथी पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में? चौथी पीढ़ी में जन्म लिया मिर्जा उमर शेख ने। बताओ किसने जन्म लिया? मिर्जा उमर शेख। कौन था भाई? मिर्जा उमर शेख। देखो दो चीजें आपके सामने, यहां से कंट्रोवर्शियल चीजें ये, ठीक है ना, यहां से प्रश्न बनता है, कई दफा प्रश्न बन चुका है। प्रश्न किस प्रकार से बनता है कि बाबर जो है किन दो रक्त मिश्रणों का वंशज है, या फिर किन दो जातियों के रक्त मिश्रण का वंशज माना जाता है? कौन है? बाबर। तो क्या आपका क्वेश्चन यहीं से क्लियर होने वाला है, मुगल वंश का व्यक्ति कौन? तैमूर। और तैमूर की चौथी पीढ़ी मतलब किसने जन्म लिया? मिर्जा उमर शेख ने। उधर मंगोल में कौन सा व्यक्ति है? चंगेज खान। चंगेज खान की 13वीं पीढ़ी में किसने जन्म लिया? कुतलुग निगार खानम ने। इन दोनों का हो गया विवाह। बताओ भाई क्या हो गया इन दोनों का विवाह? किस किस का विवाह हो गया? मंगोल वंशी कुतलुग निगार खान और तुर्क मुसलमान कौन था? तुर्कों के मिर्जा उमर शेख का क्या करवा दिया गया? विवाह करवा दिया गया। इनका विवाह हो गया तो कुतलुग निगार खां प्लस उमर शेख बराबर क्या हो गया? बाबर। क्या उत्पन्न हुआ इनसे? इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी?
बाबर। तो बताओ यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई। तो मैं सीधी सीधी बात भाषा में आपको कह सकता हूं या लिख सकता हूं, जो एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है उसी प्रकार से होती है, कि ये जो बाबर है, कौन सा बाबर, ये जो बाबर है ये तुर्क मुसलमान है। कौन से मुसलमान है? तुर्क मुसलमान है। वह मंगोलों के, किनके भाई, मंगोलों का रक्त मिश्रण है। क्या है? रक्त मिश्रण है। तो बताओ बात सही है कि नहीं है? ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है। बताओ यहां तक किसी को समस्या है क्या? नहीं है ना, क्लियर। तो बाबर जो है तुर्क मुसलमान और मंगोलों के रक्त का क्या है, मिश्रण माना जाता है। पहला प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है, कई दफा ये प्रश्न जो है यहां से पुटअप कर लिया गया है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं इसी भी हम, ठीक है। अब बात देखो सीधा पॉइंट पे आते हैं, शब्दों की बात नहीं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। बाबर किसकी बात करेंगे? बाबर के। बाबर का अगर शासनकाल की बात करें, सीधी जी है भारत में अगर इसके शासनकाल की बात करते हैं तो 1526 से 1530 ईस्वी, किलो मत लगा देना आगे, 1530 किलो नहीं ईस्वी है, ठीक है ना, 1530, क्लियर। बाबर का अगर मैं जन्म की बात करूं, थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, बाबर का जन्म जो हुआ था, ये बाबर का जन्म होता है एक प्रदेश, इसका नाम है ट्रांस ऑक्सियाना। कौन सा प्रदेश है? ट्रांस ऑक्सियाना, ट्रांस ऑक्सियाना प्रदेश, क्लियर। और ट्रांस ऑक्सियाना प्रदेश जो है इसका एक रियासत है, रियासत का नाम था फरगना। क्या नाम था? फरगना। तो इसका जन्म कहां पर होता? फरगना में हुआ था। कौन से प्रदेश की रियासत थी? ट्रांस ऑक्सियाना की। अगर इसके पिता की बात करें, किसके पिता की? बाबर के पिता की। तो बाबर के पिता का नाम था मिर्जा उमर शेख। बताओ क्या नाम था? मिर्जा उमर शेख। यहां पर ध्यान देना, ये जो मिर्जा है ना, ये मिर्जा इनकी क्या थी? उपाधि। क्या थी इनकी? मुगलों की उपाधि हुआ करती थी मिर्जा, ठीक है। अब बात करते हैं मां या माता। तो इसकी माता का मैंने अभी आपको बताया था, कुतलुग निगार खानम। बताओ कौन थी? कुतलुग निगार खानम। कौन थी भाई? कुतलुग निगार खानम। ये क्या थी? बाबर की माताजी। कौन थी? बाबर की माताजी। बताओ बाबर की माताजी कौन थी, ठीक है ना। अब देखो इसकी दादी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई दादी, इसकी दादी का नाम था एहसान। क्या नाम था? एहसान दौलत बेगम। एहसान दौलत बेगम, इसी ने राज्याभिषेक किया था बाबर का। तो बाबर का राज्याभिषेक कौन सी महिला ने किया था भाई? इसकी दादी ने किया था। और बाबर की दादी का नाम बताओ क्या था? एहसान दौलत बेगम, क्लियर। इसी बाबर के पैसे ढूंढ के नाम लाया हूं, मिलता नहीं है। बाबर को पूछा था, उठ बाबर बता तेरे दादा का नाम क्या था, ठीक है। तो बाबर के दादा का नाम देखना अबू शेख। क्या नाम था भाई? अबू शेख। बाबर के दादा का नाम क्या था? अबू शेख। बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर। तो ये सामान्य सी जानकारी, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। जन्म ट्रांस ऑक्सियाना फरगना रियासत में हुआ था, ठीक है। अगर जन्म की बात करें तो जन्म हुआ कब था, तो ये चीज भी यहीं पर क्लियर कर लेना। वैलेंटाइन डे, दिमाग घूम रहा है सबका, है ना, सबका दिमाग अपनी अपनी जगह सेट हो रहा है। वैलेंटाइन डे है ना, ये कुतलुग निगार खानम ने अपने पति मिर्जा उमर शेख को वैलेंटाइन डे गिफ्ट दिया था, किसके रूप में? बाबर के रूप में, ठीक है। 14 फरवरी 1483, क्लियर। ये बाबर के जन्म की बात कर रहे हैं। बाबर का जन्म जो कब होता है, सीधी सी नॉर्मल सी चीज है, बाकी थोड़ा आपको ध्यान रखना है इसमें। कब होता है? फरगना में होता है। फरगना जो है ट्रांस ऑक्सियाना प्रदेश की क्या थी भाई? रियासत थी। 14 फरवरी 1483 को बाबर का क्या हो गया? जन्म हो गया, क्लियर ना। ये बाबर जो है मात्र 11 वर्ष 2 माह की उम्र में फरगना का शासक बन जाता है। 1494 ईस्वी में इसके पिता मिर्जा उमर शेख की क्या हो जाती है? मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उमर शेख की मृत्यु होने के बाद में बाबर फरगना का क्या बन गया? शासक बन गया। कितने वर्ष की आयु में? केवल और केवल 11 वर्ष 2 माह, या सीधा सा कह सकते हैं 11 वर्ष की उम्र में क्या बन गया? ये फरगना का शासक बन गया, क्लियर यहां तक।
ठीक है ना। ये बाबर की बात करें तो बचपन से बहुत ये बदमाश बहुत चतुर आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, ये बहुत सारी भाषाएं जानता था बाबर, ये बहुत तगड़ा आदमी था बाबर जैसे, है नॉलेज वाला था, शक्तिशाली था, विद्वान था। इसकी नजरें जो है ना हमेशा ये पूछता था हमेशा अपने पिता से कि बापू ये वाला जो क्षेत्र है भाई, ये आपका ट्रांसऑक्सियाना प्रदेश कौन सा हो गया, ट्रांसऑक्सियाना है ना, ये आपका ट्रांसऑक्सियाना। बाबर अपने पिता से बाल्यकाल में बचपन ही पूछा करते थे बापू यार इधर कौन सा है, ये कौन सा देश है, मैं इस देश के ऊपर क्या करूंगा, शासन करूंगा। तो बचपन से ही बड़ा ही उत्साहिक बालक था, ये कह सकते हैं बड़ा चतुर बालक था बाबर, है राजनीतिक दृष्टिकोण भी इसके बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो यहां तक का क्लियर हो गया। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को, इसकी दादी एहसान दौलत बेगम ने इसका क्या करवाया था, राज्याभिषेक किया था। दादा का नाम कोई पूछता नहीं है वैसे, अबू शेख, क्या नाम है दादा का नाम, अबू शेख है। क्लियर, मिर्जा इनकी क्या थी भाई उपाधि, इनकी क्या हुआ करती थी, मिर्जा इनकी उपाधि हुआ करती थी। क्लियर है, तो देखो यहां से थोड़ा सा मैं एक बार इसको बता देता हूं। ठीक है ना, अब थोड़ा सा आप देखना एक बार, देखो बाबर का जो पैतृक स्थल था, बाबर का जो पैतृक स्थल था या पैतृक जो रियासत थी उसका नाम था समरकंद। क्या नाम था, समरकंद, बताओ भाई क्या नाम था, समरकंद। ये उज्बेकों की धरती हुआ करती थी वैसे, किसकी धरती हुआ करती थी, उज्बेकों की, किनकी धरती थी भाई, उज्बेकों की, यहां पर उज्बेकों का शासन था। और बाबर का क्या था, पैतृक स्थल, क्या था भाई पैतृक, अरे जमीन से जुड़ा हुआ आदमी था बाबर के, मेरे बाप की जगह है, मेरे बाप का जन्म स्थान है, इसको थोड़ा ही मैं छोड़ दूंगा। तो बाबर नया नया शासक बना, बच्चा था अभी, अबोध था, ज्ञान नहीं था इसको, तो बाबर ने कहा कि देख मेरे को इतना नॉलेज तो नहीं है लेकिन मेरे को इस समरकंद चाहिए। क्या चाहिए, समरकंद से, अरे बेवकूफ मुसल, ये कोई आलू थोड़ा है छील के जो छीन के लेके आ जाएगा, ये समरकंद है, उज्बेकों की धरती है। बाबर ने क्या किया 1496 में, कब की घटना है, 1496 ईस्वी में इस समरकंद के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण, क्या कर दिया भाई, आक्रमण। देखो बाबर आक्रमण कहां करता है, समरकंद के ऊपर 1496 में बाबर ने आक्रमण तो कर दिया, लेकिन अभी इतनी सैद्रिड इसकी सैन्य शक्ति नहीं थी, बौद्धिक क्षमता भी इतनी विकसित नहीं थी, बच्चा था अभी, है ना, कुछ समय के लिए समरकंद के ऊपर अधिकार भी हो गया, लेकिन बाद में इसको समरकंद तो गंवाना ही पड़ा, साथ साथ में इसको फरगना भी अपने हाथों से गंवाना पड़ा, एक के लालच में दूसरी भी चली जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने आक्रमण किया, लेकिन ये आक्रमण बताओ कैसा होता है, असफल, कैसा रहा इसका ये आक्रमण, असफल रहा। क्लियर, अब बात करें, देखो समरकंद तो हो गया, लेकिन 1497 में, कब की घटना हुई, 1497 में इसने समरकंद के साथ साथ क्या गंवा दिया, फरगना, क्या हो गया, फरगना भी इसके हाथों से क्या हो गया, निकल गया, किसके हाथों से निकल गया, बाबर के हाथों से। और फरगना के ऊपर भी किनका अधिकार हो गया, उज्बेकों का, किनका अधिकार हो जाता है, उज्बेकों का अधिकार हो जाता है। और बाबर को यहां से बुरी तरह से भगाते हैं, बाबर यहां से भागता हुआ, दौड़ता हुआ, लुंगी लपेटता हुआ, नंगे पांव दौड़ता हुआ यहां से जाता है, कहां से भागता है भाई, बाबर यहां से भागता है, और बाबर यहां से भागकर एक आपका स्थान है देश, इसका नाम है फारस, कहां गया, फारस, फारस भागता भागता पहुंच गया। यार फारस का उस समय शासक था शाह इस्लाम इस्माइल, कौन था भाई, शाह इस्माइल, कौन था, शाह इस्माइल। बाबर जो है 1497 में फरगना हारकर, फरगना से भागकर फारस गया, और फारस के शासक शाह इस्लाम के पास क्या लेता है, शरण लेता है, और शाह इस्माइल को कहता है कि देखो शाह इस्माइल जी, आप मेरे को कैसे भी मेरा राज्य फरगना वापस दिला दो। तो शाह इस्माइल बाबर को क्या कहेगा कि देख दिला तो दूंगा बेटा तेरे को, लेकिन तेरे सामने कुछ शर्तें हैं। बोले क्या, कि पहली शर्त तुझे शिया मत का प्रचार करना पड़ेगा, कौन से मत का, शिया मत का प्रसार करना पड़ेगा। बोल मंजूर है बाबरे, बाबरे क्या बोलेगा बेचारा, जी हुकुम, मंजूर है। दूसरी शर्त यह है कि तू काबुल जीतकर मुझे देगा, काबुल को जीतकर किसको देना पड़ेगा, शाह इस्माइल को। बाबर क्या करेगा, जी मंजूर है हुकुम,
है कि नहीं है। अब क्या करता है बाबर इसी शाह इस्माइल की सहायता से, बताओ किसकी सहायता से, शाह इस्माइल की सहायता से 1498-99 कब की बात है। देखो थोड़ा सा नोटिस करते जाना क्योंकि ज्यादा बड़ी घटनाएं नहीं है, डेट याद रखनी है आपको, क्लियर ना। मैं याद यहाँ पे आपको करवा दूंगा, भागने की जरूरत नहीं है, इतना घबराने की जरूरत नहीं, बड़ा इजी है, ठीक है ना। 1498-99 ईस्वी में बाबर ने क्या किया, फारस के शासक शाह इस्माइल की सहायता से फरगना के ऊपर बताओ क्या कर लिया, वापस अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया, बाबर ने पुनः कहां पर अधिकार कर लिया, फरगना के ऊपर। बताओ कहां पर बाबर पुनः अधिकार कर लेता है, फरगना के ऊपर, क्लियर। कब कर लेता है, 1498-99 में। यहां तक की घटनाएं समझ में आ रही है ना, ज्यादा कुछ नहीं है। बाबर देखो, बाबर की मैंने बात की ना कि 1494 में शासक बना भाई, बाबर जो है शासक का बनता है, मैंने आपको पहले बता दिया 1494 में शासक का बनाए, 1494 में कितने वर्ष की आयु में, तो 11 वर्ष 2 माह की आयु में, क्लियर। और बाबर ने 1496 में कहां पर आक्रमण कर दिया, समरकंद के ऊपर। कैसा आक्रमण था, ऐसा था। 1497 में समरकंद और फरगना दोनों से हाथ धोना पड़ गया बाबर को, और बाबर जो है भागकर कहां चला जाता है, बाबर भागकर चला जाता है फारस के शासक शाह इस्माइल के पास, और शाह इस्माइल की सहायता से बाबर ने 1498-99 में पुनः जो है अपने प्रगना के ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और प्रगना का क्या बन गया, शासक बन गया, क्लियर। लेकिन बाबर के दिमाग में भी कीड़ा अभी भी चल रहा है बाबर के दिमाग में, है कि नहीं, कीड़ा अभी भी चल ही रहा है बाबर के दिमाग में कि यार कुछ मतलब ठीक नहीं है, क्या नहीं है, ठीक नहीं है, समरकंद तो मैं जीत के ही रहूंगा। अब समरकंद जीत के रहूंगा, समरकंद जीतने का मतलब क्या था, उज्बेकियों की धरती है। बाबर कहते हैं समरकंद चाहे किसी की भी धरती हो, लेकिन समरकंद के ऊपर अधिकार तो मेरा क्या होना चाहिए भाई, होना ही चाहिए। तो क्या होगा, 1502। अब देखो बाबर जो है, इसी बाबर ने 1502 में पुनः आक्रमण करता है, कब आक्रमण करता है, 1502 में, और 1502 में इसने वापस बताओ आक्रमण कहां कर दिया, समरकंद के ऊपर। कौन से कंद के ऊपर, समरकंद के ऊपर, कहां पर कर दिया, समरकंद के ऊपर। इस समय इधर से एक तरफ से सेना लेके आपका जा रहा है बाबर, कौन जा रहा है भाई, बाबरिया, कौन जा रहा है, बाबरिया, ठीक है ना। दूसरी तरफ से समरकंद का एक उज्बेगों का सेनापति था, और सेनापति का नाम था शेबानी खां, बताओ कौन सा खां था, शेबानी खां, ये उज्बेग सेनापति था, कौन सा सेनापति था, उज्बेगों का सेनापति, ठीक है ना। ये शेबानी खां अपने आप में बड़ा ही खतरनाक बड़ा आदमी था भाई, बहुत ताकतवर था शेबानी खां, बहुत ताकतवर इंसान था ये, मतलब इसकी पद्धतियां, युद्ध पद्धतियां शेबानी खान की उस समय इतने महान, इसकी युद्ध पद्धतियां थी, इसकी युद्ध योजनाएं इतनी खतरनाक हुआ करती थी शेबानी खान की, क्लियर। इसी शेबानी खान से तो आगे चल के बाबर ने रूमी पद्धति सीखी थी, इसी शेबानी खान से बाबर ने, सॉरी रूमी पद्धति क्या, इसी शेबानी खान से बाबर ने तुलगमा पद्धति, कौन सी पद्धति, तुलगमा पद्धति का ज्ञान लिया था, क्लियर। अब इधर से बाबर सेना लेके आ रहा है फरगना की तरफ से, इधर से समरकंद का सेनापति कौन, उज्बेगों का शेबानी का, इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम था सराय पुल का युद्ध, बताओ कौन सा युद्ध था, सराय पुल का युद्ध, कौन सा युद्ध हुआ, सराय पुल का युद्ध, कब होता है, 1502 में। इस युद्ध में बाबर की बताओ क्या हो जाती है, पराजय, बाबर की तो क्या हो गई, पराजय, और शेबानी खां क्या रहा इस युद्ध में, विजयी, शेबानी खां क्या रहता है बताओ, विजयी। इतना ही नहीं रहा, बाबर को इसने हरा भी दिया, और साथ में बाबर की एक बहन थी, और इस बाबर की जो बहन थी, बाबर की बहन का नाम था खानीजादा, क्या नाम था भाई, खानीजादा। इस शेबानी खान ने इस खानीजादे का क्या कर दिया, अपहरण किया, बताओ क्या किया, इसका अपहरण किया, और इसका अपहरण करके इससे क्या कर लिया, विवाह, इससे विवाह बताओ कौन कर लेता है, शेबानी खान, बताओ विवाह किसने कर लिया, शेबानी खान ने। कितना यार गधा आदमी है बाबर, कितना बेवकूफ आदमी है,
सारा युद्ध हार गया, ठीक है, इसकी बहन का इसने अपहरण कर लिया, सेवा निकालने विवाह कर लिया इसकी बहन से, ठीक है। तो कौन सा युद्ध था? सरायपुर का, क्लियर। आगे चले, खाने जाता से विवाह किसने कर लिया? शैबानी खान। देखना, याद रखना, एक काम में आएगा शैबानी खान, क्लियर। तो समरकंद तो अभी भी क्या हुआ इसके हाथ, सारी जिंदगी भर इसके हाथ नहीं लगेगा समरकंद तो, क्लियर है ना। इसकी दिली इच्छा है लेकिन हाथ नहीं लगने वाला, क्योंकि दिल से सही जो कहते हैं ना कि जिसको सही दिल से चाहोगे तो मिलेगा थोड़ी ना, चाहने से कायनात कभी नहीं मिलती है, ठीक है, होता क्या। नेक्स्ट चले आगे, आगे देखते हैं भाई। 1502 का सरायपुर का युद्ध हमने देख लिया, इसके बाद देखते हैं 1504 ईस्वी में, कब की घटना है भाई? 1504 ईस्वी में। देखो, शैबानी खान ने खानजादा से विवाह कर लिया, इस कारण उज्बेगुन ने 1503 के 4 के आसपास शैबानी खान को अपने प्रदेश से निकाल दिया, अपनी सेना से निकाल दिया। और अब जो है शैबानी खान खानजादा के सईद कहां पर आएगा? बाबर के पास आएगा। बाबर से आके बोलता है, देख भाई कैसा भी हूं, ऐसा वैसा जैसा भी हूं, तो तेरा जीजा हूं, तो तेरा जीजा अब रखना ही पड़ेगा भाई, जीजा रखना ही पड़ेगा। तो शैबानी खान कहां गया? बाबर के पास। 1504 में बाबर ने काबुल के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण। कहां पर आक्रमण करता है भाई? काबुल के ऊपर आक्रमण कर दिया। और काबुल के ऊपर बताओ क्या हो गया? बाबर का अधिकार है। क्या हो गया? काबुल के ऊपर बाबर का अधिकार हो जाता है। काबुल के ऊपर बाबर का अधिकार कब होता है? 1504 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि बाबर ने काबुल पर अधिकार कब किया था? 1504 में। इसी युद्ध में इसी समय शैबानी खान ने भी किसका साथ दिया था? शैबानी खान ने बताओ किसका साथ दिया? बाबर का साथ दिया, क्लियर। और इसी शैबानी खान से बाबर ने बताओ क्या सीखा? तुलुगमा पद्धति। क्या सीखा है? तुलुगमा युद्ध पद्धति। आगे चल के बात करेंगे, करने वाले अपन क्या होते हैं तुलुगमा पद्धति, क्लियर नहीं यहां तक तो। नेक्स्ट 1507 की घटना, कब की घटना है? डेढ़ बार याद रखो आपसे, इतना कोई ज्यादा वो एजेंडो काम तो है नहीं यार, आपको मिर्ची लग जाएगी पढ़ते, ठीक है। 1507 ईस्वी में बाबर किसी तांत्रिक मंत्र के पास गया, तो तांत्रिक आप लोग जानते हो, तांत्रिक ने कहा कि भाई देख, तुम्हारी जो तुम लोगों की जो ये उपाधि है मिर्जा की, यार हटा दो, ये शुभ नहीं है। तो बाबर ने कहा यार ऐसा है तो हटा देंगे। तो 1507 में बाबर ने क्या कर दिया? मिर्जा की उपाधि त्याग दी और मिर्जा की उपाधि की जगह बाबर ने पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण कर ली। प्रथम मुसलमान, भारत का प्रथम शासक या प्रथम मुसलमान शासक जिसने बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की, कौन था? बाबर था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया गया। भारत का प्रथम शासक जिसने बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की, कौन था बताओ? बाबर था। कौन था? बाबर था, क्लियर। यहां पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी है, मैं अभी बात करेंगे अपन उसकी ना, ठीक है ना। तो 1507 में इसने क्या किया? बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्यागी। भाई किसकी उपाधि त्यागी? मिर्जा, क्लियर। इसी समय बाबर को संतान के रूप में हुमायूं प्राप्त हुआ था, और हुमायूं का शाब्दिक जो अर्थ है वो होता है किस्मत वाला। क्या होता है? किस्मत वाला, ठीक है। तो क्या करी? मिर्जा की उपाधि का बताओ इसने क्या किया? बाबर ने त्याग किया और मिर्जा के स्थान पर इसने क्या धारण कर लिया? पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की उपाधि धारण की। तो बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? बाबर था। बताओ कौन था भाई? बाबर था। क्यों समझ में नहीं आ रहा यहां तक, ठीक है? कौन था? बाबर था। क्लियर यहां तक। अब हम बात करते हैं बाबर के भारत के ऊपर आक्रमण की। कहां पर आक्रमण की? भारत के ऊपर बाबर के आक्रमण। तो बाबर के भारत के ऊपर जो आक्रमण, भारत पर जो आक्रमण बाबर ने किए थे, ठीक है ना, वो आक्रमण
1519 से 1524 तक की बात करते हैं। 1519 से 1524 तक बाबर ने भारत पर कुल चार आक्रमण किए। कितने बार? चार बार। बताओ क्या किया आक्रमण। 1519 से 1524 तक बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? चार बार। पानीपत पर जो बाबर का आक्रमण था वो पांचवा आक्रमण था भारत के ऊपर बाबर का। क्लियर? देखना आप थोड़ा सा यहां पे एक बार। एक नंबर पहला जो आक्रमण होता है ये होता है 1519 में। कौन सा होता है 1519 में? एक स्थान पड़ता है बाजोर और भेरा। कौन सा? बाजोर और भेरा। ये वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में है। बताओ वर्तमान कहां पर है? पंजाब पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में। तो पहला जो इसने 1519 में बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया कहां पर किया? बाजोर और भेरा किले के ऊपर बाबर ने पहली बार आक्रमण किया। और बाबर ने पहली बार इसी आक्रमण में बाजोर व भेरा किले के ऊपर तोपखाने का प्रयोग किया। कौन सी बार किया है भाई? तो पहली बार बाबर ने तोपखाने का प्रयोग कौन से किले पे किया? बाजोर और बहरा के किले पर, जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर? कब किया आक्रमण? 1519 में। बाबर ने यहां का प्रशासक नियुक्त किया अपने सेनापति हिंदू बेग को। किसको नियुक्त किया भाई? हिंदू बेग नामक इसका क्या था? सेनापति था। उसी को यहां का क्या कर दिया बाबर ने? प्रशासक यहां का नियुक्त कर दिया, यानी कह सकते हैं यहां का किलेदार नियुक्त कर दिया। बाबर का दूसरा आक्रमण की बात करते हैं कि बाबर का दूसरा आक्रमण कौन सा था? तो बाबर का सेकंड आक्रमण होता है 1520 में। कौन सा होता है भाई? 1520 में बाबर का सेकंड आक्रमण होता है जो था शालकोट का आक्रमण। कौन सा आक्रमण था? शालकोट। बाबर का दूसरा आक्रमण था भारत के ऊपर शालकोट के ऊपर, और ये पड़ता है वर्तमान में मुल्तान में। कहां पर है भाई? मुल्तान। कहां है? मुल्तान में। शालकोट को जीतकर बाबर ने यहां का प्रशासक बनाया अपने पुत्र कामरान को। बताओ यहां का प्रशासक किसको बना दिया? अपने पुत्र कामरान को। किसको बना दिया? कामरान को। तो ये पहले दो आक्रमण बाबर के। तीसरा आक्रमण की नॉर्मल सी इनकी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, बाकी कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तीसरा आक्रमण होता है इसका पेशावर के ऊपर। किसके ऊपर होता है? 1520-21 में। कब होता है? 1520-21 में पेशावर के ऊपर। पेशावर कहां पड़ता है? वर्तमान पाकिस्तान में। ये आक्रमण बाबर का था यूसुफ जयों के विरुद्ध। किन कौन सी जाति के विरुद्ध? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध ये बाबर का आक्रमण था, जो बाबर का भारत के ऊपर तीसरा आक्रमण था। क्लियर? चौथा आक्रमण था बाबर का 1524 में। मैंने कहा ना 1519-24 तक चार आक्रमण हुए थे। 1524 में जो आक्रमण था वो था फिर से पेशावर, वह साथ में दीपालपुर। कौन सा पुर है भाई? दीपालपुर। दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, ठीक है ना। तो पेशावर और दीपालपुर के ऊपर चौथा आक्रमण था, जो 1524 में बाबर ने किया था। ये थे 1519-24 तक बाबर के भारत के ऊपर आक्रमण। तो बाबर का पहला भारत के ऊपर अगर आक्रमण की बात करें तो कौन सा था? बाजोर और भेरा। लेकिन ये वर्तमान में कहां पड़ रहा है? पंजाब पाकिस्तान में। पानीपत का जो आक्रमण था बाबर का, ये भारत का पांचवा आक्रमण माना जाता है। लेकिन वर्तमान में ये सब तो भारत में मौजूद नहीं है, तो कौन सा है? पानीपत है, इसीलिए हम पानीपत को मानते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, चलते हैं आगे। इसको एक बार हटा देते हैं। अब थोड़ा आप ध्यान देना, नोट लगा के आप थोड़ा सा लिख लेना, बोले यहां इंपोर्टेंट है। पानीपत का युद्ध, ये पानीपत का जो युद्ध है ना, ये पानीपत का युद्ध कौन सा था? भारत के ऊपर पांचवा आक्रमण था। कौन सा था? पांचवा आक्रमण। क्लियर है? अब देखो भारत में बाबर के आक्रमण है ना, भारत में बाबर के लड़े गए युद्ध ऐसा कह सकते हैं। भारत में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध कह सकते हैं क्या? भारत में बाबर द्वारा
लड़े गए युद्ध। छोटी सी इसकी एक ट्रिकी भी है भाई, है ना, बाबर ने बाद में कौन कौन से युद्ध लड़े इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे बाबर बात में आता है, बाबर बात में आके भाई पहले इंसान करेगा क्या, कहीं भी जाता है पहले क्या देते हैं उसको, पानी देते हैं। तो बाबर जैसे ही बात में आया बाबर ने पानी पिया, पानी पीने के बाद बाबर ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद बाबर जो है इतना खाना खा लिया, खाना भारत का इतना पसंद आया कि बाबर कहां चला गया, कहां चला गया, चांद के ऊपर चला गया, और चांद के ऊपर जाके ठंडी हवा में खाना खा ही चुका था, घाघरा ओढ़ के सो गया। क्या ओढ़ के सो गया? घाघरा ओढ़ के सो गया। कैसे? ध्यान देंगे, देखो आपका ध्यान में बोर्ड पे चाहता हूं यार, ठीक है ना। बाबर का बाद में जो पहला युद्ध होता है वो होता है पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का युद्ध। और ये पानीपत का जो युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। एक साइड में युद्ध लिख रहा हूं, आप भी साथ साथ लिख सकते हो, और एक साइड में हम लिख सकते हैं, बस बड़ा इजी रहेगा आपके लिए, बुक से पढ़ोगे और कहीं पढ़ोगे उससे, ठीक है ना। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में। बाबर भारत में आया, क्या पिया? पानी पिया। दूसरा, भारत में आने के बाद, पानी पीने के बाद बाबर ने क्या खाया था? खाना। तो कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। ये राजस्थान के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है खानवा का युद्ध, ठीक है ना, राणा सांगा काड़ियो राजा, ठीक है। तीसरा, खाना खाने के बाद कहां पर चला गया? चांद पे। तो बताओ अगला कौन सा आएगा? चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध तो कब होता है? 1528 में। सांगा तो बेचारा पहुंच ही नहीं पाया, तो सैनिकों ने 20 रस्ते में गले में जहर डाल के काम तमाम कर दिया सांगा का, ठीक है ना। मेदिनीराज यहाँ का शासक था चंदेरी का। अगला, खाना खाने के बाद चांद पे चला गया, और चांद पे जाके क्या करेगा? घाघरा उड़ के सोएगा। तो क्या था भाई? घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। और एक घाघरा का युद्ध तो कब होता है? 1529 में। अब देखो 1529 में होता है, जनवरी 1530 में क्या हो जाती है इसके बाबर के क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो बाबर के बाद में लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और कौन सा था भाई? घाघरा का युद्ध, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात रखना आप, बाबर ने 1526 में ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह को पराजित किया था, और इस समय बाबर स्वयं युद्ध करने के लिए नहीं गया था, बाबर का पुत्र, ये कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें हैं वैसे, स्पष्ट या कहीं नहीं मिलती हैं चीजें, बाबर का पुत्र हुमायूं गया था। हुमायूं और विक्रमजीत सिंह के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में विक्रमजीत सिंह की, यानी ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह की पराजय होती है, और हुमायूं जो है ग्वालियर के ऊपर अधिकार कर लेता है, और ग्वालियर से विक्रमजीत सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर आता है, और कोहिनूर हीरा लाकर किसको देता है? बाबर को। यही कोहिनूर हीरा है जो यहां से आगे बढ़ता गया, और बाद में कहां चला गया? अंग्रेजी के पास चला गया, ठीक है। थोड़ा ये भी आप ध्यान रखना, कोहिनूर हीरे की कहानी कहीं ना कहीं मतलब बाबर से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बाबर के कुछ भारत में लड़े गए युद्ध हैं, कौन कौन से युद्ध हैं उन सब के बारे में जानकारी है यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं अभी बताओ, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्लियर। इसकी सामान्य मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, बाबर भारत में आया, पानी पिया, बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, खाना खा के बाबर चांद पे चला गया, और चांद पर जाकर के बाबर घाघरा उड़ के सो गया। 26, 27, 28, 29 कुछ ज्यादा वो नहीं है इसमें, कंटिन्यू लड़ रहा है ये तो, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास हो गई, कल हम देखेंगे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और कौन सा? घाघरे का युद्ध। भाई आपने कोई पूछ ले भारत का थल और जल का युद्ध कौन सा था? घाघरा। घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया, इसलिए क्या कहलाया? जल व थल का, ठीक है ना। इस युद्ध में बाबर जो क्या करेगा? तुर्गमय पद्धति का प्रयोग, तोपखाने का प्रयोग तो पहले कर लिया उसने, कहां कर लिया? बाजर बेरा के युद्ध में। एक दोनों चीजें अलग हैं, तुर्गमा और तोपखाना, इनको मिश्रण नहीं करना है, मिलाना नहीं है इनको, थोड़ा ध्यान देना इस चीजों का, ठीक है ना। कई गाइडों में लिख लेते हैं एक ही बात समझाते हैं कई जगह, तो ये तोपखाना का प्रयोग हो रही है अलग है सब, ठीक है ना।
तो उपमा अलग होता है, एक व्यू रचना होती है, बताऊंगा आपको कल क्लास में, देखेंगे अपन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कंटिन्यू रहिए।